मॉर्निंग गाइस, आज आज क्या है कि सुबह सुबह उठ के हम लोग रेडी हो रहे हैं कलकत्ता जाने के लिए, बिकॉज वी आर रेडी टू गो। तो सडनली एक सुंदर सा वेदर हमको दिखाई पड़ा। तो क्या है कि अब पूरा स्काई जो है पूरा क्लियर है, एवं कांचनजंगा का जो आपका रेंज है वो पूरा रेंज दिखाई पड़ रहा है, उस पर प्रेजेंट वेदर है, सनशाइन है, और उसमें क्या है कि ऑसम वेदर। सो यू कैन एन्जॉय दिस वन, आप प्लीज़ बने रहिए। वी आर रेडी टू गो। हम सुबह 9:30 बज रहा है, करीब करीब 9:15 हुआ है। तो वी आर रेडी टू गो, हम लोग कलकत्ता जाने के लिए रेडी हो रहे हैं अभी। तो जस्ट जो सुबह नाश्ता है वो आया है, रोटी, यू कैन सी रोटी, अंडा ऑमलेट, साथ में जो है आलू का एक सब्जी बना हुआ है, और इसके साथ रेड टी। रंग बहुत बढ़िया है, देखिए रंग बहुत बढ़िया ये आया है। अभी हम लोग खाना इसको ख़त्म करते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग निकलते हैं। निकलने के बाद हम लोग पहले जाएंगे सिलीगुड़ी बाईपास होके, वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे बागडोगरा एयरपोर्ट के सामने से हम लोग निकल जाएंगे कलकत्ता की तरफ। यहाँ से दार्जिलिंग से पड़ेगा 630 किलोमीटर पड़ेगा अबाउट। तो हम लोग यहाँ पे आज यहाँ पे टैक्सी स्ट्राइक है क्योंकि वो लोग भाड़ा बढ़ाना चाहता है, इसलिए टैक्सी स्ट्राइक है। तो हम लोग अपना टाइगर बाइक में जाएंगे, तो कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आगे चलेंगे, फिर आप लोगों से गोप्रो में जाके बात करते हैं, करके जो है देखते हैं टेस्ट कैसे बना है, ये भी देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। ठंड में गरम गरम खाना अच्छा ही लगता है, जो भी खाओ, बस खाना गरम होना चाहिए। We are ready to go, हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए हैं। बैग, शटल बैग, पीछे बैग सब लग गया है, फिर हम लोग अभी निकलते हैं। बाइक में हॉर्न का खराबी आया हुआ है, इसलिए उसको रिपेयरिंग कर लिए। रिपेयरिंग करने से अभी 600-650 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उस पर दिक्कत होगा, इसलिए हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए दो तो फ्यूज़ भी चेंज कराए और इसको भी चेंज करा लिए। इसको अभी देखते हैं चेंज कर रहा अभी बंदा, करके अगर हो जाता तो सही है, काम निकल जाएगा। बैठते बैठते मैं बोर हो गई, हमारे टाइगर के क्लच और हॉर्न में प्रॉब्लम हो गया, अभी उसको ठीक कर रहा है, 1 घंटा हो गया, पता नहीं कब ठीक होगा।
अभी हम लोग लंच करेंगे, बहुत जोर से भूख लगी है। हमने ऑर्डर किया है बटर नान और ये है चिकन भरता। इतना भूख लगी है कि पेट में चूहे दौड़ रहा है। खाना हो गया, बढ़िया खाना था। अभी तो हम पोखर में जाके मिलते हैं।
गाइस अभी रात को 11 बजा है, तो हम लोग खाना खाने आए हैं यहाँ पर, अपने ढाबा में आए हैं। बहरमपुर से 55-60 किलोमीटर दूरी पड़ता है, तो अभी यहाँ पे नहीं खाएंगे तो बात में हो सकती है खाना ना मिले। तो यहाँ पे चटनी दिया गया है, भुजिया दिया गया है, रोटी दिया गया है, चटनी दिया गया है। देखिए तो खाना खा लेते हैं, फिर निकलना होगा जल्दी खा के, फिर होटल में मिलते हैं आप लोगों से।